नैसमीउल्ला नंबरदार मुबारकपुर। आपके भाई की मौत हो जाती है, क्या कारण है, किसके ऊपर आरोप है, क्या कहना है? आरोप यह है, अभी पिछले साल 2023 में लगभग दिसंबर का महीना था, इसमें हमारी एक लड़की थी, दो लड़कियां थी पुनाहड़े में। एक लड़की का ससुराल वालों से कुछ डिस्प्यूट में उन ससुराल वालों ने उसके गले पर चोट मारी। गांव में हल्ला हुआ, वह लड़की का गला काट दिया। हम सभी लोग गांव वाले हॉस्पिटल गए, हमने समझा लड़की डेड हो गई है। वहाँ जाके देखा था डॉक्टर ब्रिज मोहन MLR काट चुका था। हमने वहाँ देखा, हमने कहा कुछ ने खुर्शीद को मैं लेके गया था रात में, पूरा गांव वहाँ पहुँच गया था। तो ब्रिज मोहन की जब MLR गांव वालों ने देखी तो उनका ये तो गलत MLR है, इसको ब्लंट इंजरी क्यों दिखा रही है, तो शार्प इंजरी है। वो डॉक्टर साहब वहाँ से भाग लिए, कभी यहाँ कुछ हो जाए। इसके बाद डॉक्टर ब्रिज मोहन ने ये सोचा, उन लड़की वालों ने बोर्ड बिठा लिया, कोर्ट से आदेश लेकर बोर्ड बिठाया। बोर्ड में 2.5 सेंटीमीटर वाउंडा, 4 सेंटीमीटर वाउंडा हुआ, डॉक्टर ब्रिज मोहन ने उसको 2.5 सेंटीमीटर दर्शाया और शार्प इंजरी आई। डॉक्टर ब्रिज मोहन उसी दिन से रंजिश रख रहा है, भाई जो कुछ करवाए खुर्शीद ने करवाया है। लड़की वालों ने आगे तक भी कंप्लेंट की, जो कुछ हुआ है ये खुर्शीद की वजह से हुआ है, इसलिए वो रंजिश रखता था। एक मंजू नाम की नर्स थी, वो हमारे घर में 3 साल रही है, वहाँ जॉब भी करती थी बीच रूम में, और मेरे भाई ने एक हॉस्पिटल भी खोला हुआ था जच्चा बच्चा केंद्र के, गुड़िया जच्चा बच्चा केंद्र के नाम से। तो इन लोगों ने उसको किसी तरह बहका कर उसको वहाँ वापस बुला लिया पुनाहड़े। 3 महीने बाद इन्होंने पुनाहड़े थाने में कंप्लेंट दिलवाई और खुर्शीद मुझे जो है बुरी नज़र से देखता है और ज़बरदस्ती मुझे अपने हॉस्पिटल में नौकरी करवाना चाहता है, जबकि इससे कोई हमारा लेना देना नहीं था। हमने उस हॉस्पिटल को दूसरे को रेंट पर दे दिया, फिर भी ये मैडम हमारे घर पे आती जाती रही। और इन्होंने फिर पुनाहड़े थाने में जो कंप्लेंट दी, जब SHO साहब ने इससे कहा भाई इस तरह की क्यों, क्या मामला है, क्या मेरे से गलती हो गई, वहाँ फैसला भी हुआ। फैसला होने के बाद दूसरे दिन डॉक्टर ब्रिज मोहन, एक योगेश असिस्टेंट क्लर्क, एक मंजू, ये इनको लेके महिला थाना आई। महिला थाने में 354A 506 सेक्शन के मुकदमा दर्ज कराया। हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करते रहे प्रशासन को। एक महीने बाद जब पुलिस ने कहा भाई ये तो झूठा मुकदमा है, कभी IO बदल रहे हैं, कभी SHO ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक महीने बाद फिर ये बुलाया गया कि भाई आज फाइनल इन्वेस्टिगेशन आप आइए। हम जब वहाँ आए तो इन्होंने कहा कि भाई एक सप्लीमेंट्री बयान दिया है अंजू मैडम ने और उसमें 376 सेक्शन हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके इनको ले गए। ये 2 महीने लगभग 8 दिन से जो जिला जेल सलम्बा में अंडर कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में था। कल हम 11 बजे इनसे मिल के गए, इनकी घरवाली और इनका दामाद मिल के गए, ये बिल्कुल ठीक पोजीशन में था। शाम को हमें इतला मिली उसकी बहुत जो सीरियस हालत है, सीरियस। जब हम वहाँ घर से आए थे यहाँ हमने देखा एक डेड बॉडी यहाँ डेड पड़ा हुआ था, इस पर कपड़ा ढका हुआ था। ये इसका मामला है जी, ये झूठा केस है, झूठा केस मिशन। इन्होंने टॉर्चर करके मेरे भाई को इन्होंने मारा, इनकी हत्या करवाई है, एक तरह से हत्या है। और पुलिस ने फंसाया है इसको? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह से हत्या की है, सब मिल के एक इमोशनल केस बनाया इसको, और किसी भी तरह इसको टॉर्चर करना है। एक डॉक्टर ब्रिज मोहन है, एक योगेश, एक ठेकेदार बने हुए हैं पुनाहड़े में, किसी को कुछ भी कर देते हैं, ये सब इमोशनल बना के और उसको दूसरी लाइन में कन्वर्ट करते हैं। ये ब्रिज मोहन क्योंकि पुनाहड़े का ये मूल निवासी है। आपने शिकायत दी थाने में, क्या शिकायत ये दी कि इन चारों के खिलाफ कंप्लेंट, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन्होंने मेरे भाई को टॉर्च किया है। इसकी टॉर्च करने की वजह से भाई इतना हरासमेंट हुआ, हमें तो पता जब लगा किस वजह से मौत हुई, ये तो पोस्टमार्टम ही खुलासा हो पाएगा। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हवालाती कैदी खुर्शीद नाम का व्यक्ति जो रेप के मुकदमे में जिला जेल सलम्बा में बंद था, उसको हमारी एस्कॉर्ट प्रिजनर गार्ड ने नलड़ हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और जिसकी किसी ओल्ड डिसीज बीमारी के कारण दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। उसकी सूचना पर आज उसके पेरेंट्स को सूचित किया गया था, जिस पर आज उन्होंने आकर के एक कंप्लेंट हमारी चौकी में फाइल की है। और वो कंप्लेंट जो उन्होंने दी है उसके आधार पर जो ये कस्टोडियल डेथ है, इस संबंध में अपने सेशन जज साहब की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी भी की कराई जाती है, जिस पर एक जज साहब नियुक्त की गई हैं और जज साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। और उस कंप्लेंट के आधार पर जो भी लीगल एक्शन होगा और जो आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जुडिशियल इंक्वायरी जैसी भी शुरू होगी, उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।